बाद आप सभी का स्वागत है और वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। ऋषिकेश के श्यामपुर मंडल के युवा मोर्चा टीम द्वारा कांग्रेस की उकाब पुतला फूंका गया। युवा मोर्चा का आरोप है कि विगत कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों ने तिरंगे का अपमान किया, जिसको लेकर आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा के श्यामपुर मंडल टीम द्वारा कांग्रेसियों का पुतला फूंक कर आक्रोश जाहिर किया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया गया है, जो कि इसलिए किया गया है कि परसों विधानसभा अध्यक्ष जी के कैंप कार्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, जिसमें कि तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान किया गया था। और इस अपमान का युवा मोर्चा बिल्कुल नहीं सहेगा। इसकी कांग्रेस युवा मोर्चा उत्तराखंड में लचर सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी। तस्वीरें ग्राम सभा रठाकोट से सामने आई है, जहां लगभग एक माह पूर्व भारी बारिश के चलते प्रेमदास के सर से छत छिन गई। बता दें कि बीते 19 मई को गजा ब्लॉक नरेंद्र नगर की ग्राम सभा राणाकोट में भारी बारिश के चलते प्रेमदास के सर से छत चली गई। छत जाने से परेशान पीड़ित प्रेमदास द्वारा ग्राम प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई गई है, जिसके तुरंत बाद पालकोट पटवारी को घटना की सूचना दी गई। सिस्टम की लापरवाही की मार झेल रहे प्रेमदास का कहना है कि घटना को एक महीने होने वाला है, लेकिन लचर सरकारी सिस्टम उसकी मदद को नहीं पहुंचा, जिसके चलते ग्राम प्रधान संगठन के महामंत्री आशीष राणा कोटी से मदद की गुहार लगाई गई है और तहसीलदार को घटना के संबंध में पत्र लिखा है और तत्काल पीड़ित प्रेमदास को मुआवजा राशि एवं अस्थायी रूप से रहने का ठिकाना उपलब्ध कराने की बात कही है। तो वहीं आशीष राणा कोठी के प्रयासों से पीड़ित प्रेमदास के चेहरे में उम्मीद की किरण जागी है। 19 तारीख को ग्राम राणाकोट में प्रेमदास जी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था पूर्ण रूप से, जिसकी सूचना उनके द्वारा संबंधित पटवारी पालकोट को दी गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई मदद नहीं हुई है। जिस संबंध में उन्होंने आज मुझसे संपर्क किया और मैं राणाकोट में आ रखा हूँ और हमने यहाँ पर देखा है कि पूरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2 कमरों का मकान है। मकान के अंदर जो भी सामान था, उनके बिस्तर थे रहने के लिए, भांडे बर्तन जो भी थे, सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उनके रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है। इस संबंध में हमने आज तहसीलदार गजा को आज एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनकी मदद जल्द की जाए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। वो अगल बगल पे देहरादून मार्ग पर लाइब्रेरी के पास शिफन कोट के पास एक शिफ्ट कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर नीचे गहरी गाय में जा गिरी, जिससे कार में सवार 4 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में एक व्यक्ति और 3 महिलाएं थी। कार गिरने से मौके पर पुलिस भारी फोर्स बल के साथ पहुंची और घायलों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया गया है। तो उसमें एक फैमिली थी जिसमें एक पुरुष और 3 महिलाएं थी। गाड़ी करीब 250-300 मीटर नीचे गाड़ी खाई में गिर गई थी। तो 3 महिलाएं हैं जिनको बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। एक पुरुष है जिनके मौके पर एक्सपायर हो गए हैं, उनकी बॉडी जो है निकलवाई जा रही है। और बाजपुर में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड ने शहीद भगत सिंह चौक पर अनशन शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अरविंद यादव ने बताया कि 13 फरवरी 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने सरकार के इशारे पर एक फरमान जारी किया था, जिसमें 20 गांवों की 5838 एकड़ भूमि पर रोक लगा दी थी। भाजपा सरकार के तानाशाही फरमान से किसान और मजदूर वर्ग के लोग परेशान हैं, लेकिन इस सरकार को गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं है। समाजवादी पार्टी का आज 4th दिन कर्मी कंसन चल रहा है। जब हमारे कर्मी कंसन को 2 दिन हो गए, उसके पश्चात बाजपुर क्षेत्र के कुछ लोग मुख्यमंत्री जी के पास मिलने गए थे। मैं उन गणमान्य से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में जो कार्य हुआ है, मुख्यमंत्री से मुलाकात, मौखिक आदेश, आप ये सब बंद करिए, बाजपुर को छलना बंद करिए। अगर आप सही मायने में बाजपुर का भला करना चाहते हैं और बाजपुर की 5838 एकड़ भूमि को आजाद कराना चाहते हैं, तो तत्काल रूप से मुख्यमंत्री जी से बात कर मौके के संबंध में जो है विभिन्न समय के हमारे पास शिकायतें प्राप्त होती रहती है और हम लोग भी जो है इसमें टास्क फोर्स गठित करा देते कार्रवाई भी करते हैं।
फिर भी जो है अभी भी कुछ इलाके में जो है काफ़ी मात्रा में ड्रग्स का जो है वो प्रयोग हो रहा है, शिकायतें प्राप्त हो रही है, इसका संज्ञान लेकर के जो है जरूर। हरिद्वार के कई इलाकों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। आए दिन चोरी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी पर जिले में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि नशे के कारोबारी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का नशा व्यापार और नशाखोरी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जोशीमठ के रैनी क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। इलाके में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। रैनी में 7 फरवरी को आई भीषण आपदा के कारण जलस्तर बढ़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई मकानों पर दरारें बढ़ रही हैं। जलस्तर के बढ़ने से ग्रामीण भयभीत है। लगातार प्रशासन को ज्ञापन देने की बाद भी इसके और कोई गंभीरता से सोचा विमर्श नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से घबराए ग्रामीण बार बार जलस्तर को देखकर भय में है। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा के दौरान मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने चहल कदमी से की थी, लेकिन अभी भी ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। ये जब यहाँ पे 7 फरवरी को ये आपदा आई थी तो तब हम लोग जो है यहाँ पे आपदा की उसमें बहुत ही भयभीत हो रखे थे। डर सारे गांव वाले बच्चे सही थे, वहाँ पे डर के मारे जंगल में चले गए थे। मगर आज उन दिनों तो कई लोग यहाँ पे शासन प्रशासन कई लोग यहाँ पे आके गए, मगर आज तक कोई हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं है। और गांव में जो दरारें पड़ी थी मकानों पे, वो दरार आज बढ़ते जा रहे हैं। और हम इस बारिश की संभावना, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इस बारिश में भी हम साला आज मुश्किल से जीना हो रहा है। हम शासन प्रशासन के कई ज्ञापन दे चुके हैं, कई पत्रकारों को, कई न्यूज वालों को कई खबरें हमने पहुंचा दी, मगर आज तक हमें यहाँ पे कोई सुनवाई वो नहीं आई। यहाँ पे कोई शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे नहीं आ। कलियर के बेटपुर में मिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों ने ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ा दी है। बेटपुर में आबादी से होकर गुजर रहे मिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों ने लोगों का काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। लोगों को आरोप है कि इन ओवरलोड वाहनों के चलते सड़कें टूट गई हैं और गड्ढे हो रहे हैं, जिससे उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, किनारे टूट कर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रोड के किनारे बने मकानों को भी खतरा हो रहा है। हमारा जो है घर बिल्कुल रोड से मिलता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे कभी 10-20 मिनट के बाद वे बाहर आते हैं। अगर कोई डंपर की चपेट में आ जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? और ये जो है ना, करीबन सारी रात ये जो है ना 8 बजे से लेकर सुबह सारी रात तक चलते हैं डंपर, पूरी रात जो है ना 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होते। हम ये चाहते हैं ये दूसरा रास्ता चुना जाए इनके लिए। हमारा जो है ना छोटा सा परिवार है और इस पे जो है ना, इस रोड पे, छोटे से रोड पे 5-6 घर लग रहे हैं। 5-6 घरों में सब में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब हर वक्त जो है ना सड़क पे आते रहते हैं। रोड पे जहाँ से ये मिट्टी उठा रहे हैं, 3 रास्ते, उनमें से तीनों में से एक ही चुना गया है। ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में हर तरह की सुविधाओं को इसके लिए काम किया जा रहा है। मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल काफी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपनी विधायक निधि से 8 एयर कूलर SPS राजकीय चिकित्सालय को समर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल को कूलर समर्पित कर विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के ईमानदारों को मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए। देखिए पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न चिकित्सालयों में सामग्री देने का मैंने निर्णय लिया था, उसमें जो मेरा ये SPS चिकित्सालय है, आप जानते होंगे जिस प्रकार से यहाँ पर अनेकों चीज़ों का जब अभाव की बात हो रही थी, तो हम सबके द्वारा इसमें अपना प्रयास किया गया। उसी कड़ी में शुरुआती तौर पे जो मेरी डॉक्टर विजयेश भारद्वाज जी से बात हुई थी, मैं यहाँ पर क्या मदद कर सकता हूँ, इन्होंने मेरे से 2 चीज़ की मांग की थी। इन्होंने कहा था मुझे, एक तो यहाँ पे जो गर्मी है, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं ने भी उसमें एक बात रखी थी कि जो कमरे में वहाँ गर्मी है, इस प्रकार का कोई वाटर कूलर या नहीं है। और ऐसे ही डॉक्टर भारद्वाज साहब ने कहा कि साहब मुझे
कूलर की आवश्यकता है, तो इन्होंने मुझे 8 कूलर मेरे से मांगे, मैंने 8 कूलर देने की घोषणा की थी, जिसका अभी मैंने लोकार्पण किया है, यानी कि आपको समर्पित किया है। और उसके साथ साथ एम्बुलेंस की जब आपने बात की थी, वो एम्बुलेंस भी बहुत जल्द उसको हम लोकार्पण करेंगे, यानी आपको समर्पित। कोविड 19 वैक्सीनेशन को लेकर सितारगंज ब्लॉक परिसर में डीएम डॉक्टर रंजना राजगुरु पहुंचे। यहां डीएम ने कहा कि कोविड 19 बचाव के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की कि कोरोना के नियमों का साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कहा कि कोरोना से बचने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए वैक्सीन लगवाना काफी ज्यादा जरूरी है। और आगे डीएम ने वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े अधिकारियों से कहा कि लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करें, ताकि कोई भी व्यक्ति टीकाकरण करवाने से पीछे ना हटे। गदरपुर के इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने आज पूरे विधि विधान से अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अक्षय पात्र योजना उनका सपना था, जिसको सरकार साकार होने में थोड़ा समय जरूर लगा है। इस योजना के माध्यम से इस हाईटेक किचन में गुणवत्ता युक्त गर्म और पौष्टिक भोजन मिड डे मील के लाभान्वित बच्चों को पहुंचाया जाएगा। नैनीताल जिले के ब्लॉक में भी ये संस्था SDMDM के तहत बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और कोरोना को देखते हुए अभी ये संस्था क्षेत्र के उन जगहों पर लोगों को भोजन उपलब्ध करवाएगी जहाँ पर लोग गरीब हैं। जब मैं पहली बार शिक्षा मंत्री बना, तो बनते ही मैंने इस बात का महसूस किया कि हमारे अधिकांश अध्यापक बंधु इस भोजन को मेंटेन करने में, लिस्ट को, रजिस्टर को मेंटेन करने में लगे रहते थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी और गुणवत्ता युक्त भोजन भी मिलने में कई बार दिक्कतें आती थी, ऐसी समस्या सुनने में आती थी। हम लोगों ने संकल्प लिया कि अक्षय पात्र योजना के माध्यम से हम सेंट्रलाइज एक किचन बनाएंगे और उसे किचन के माध्यम से पौष्टिक युक्त भोजन, गर्मा गर्म भोजन बच्चों तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया। और जितने मैदानी ज़िले हैं प्रदेश के, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर ज़िला, नैनीताल ज़िला, इन प्रत्येक ज़िलों में मैदानी जो ब्लॉक हैं उनमें हमने गर्मा गर्म भोजन बनाने के लिए अक्षय पात्र के माध्यम से हमने सेंट्रलाइज किचन लगाया, जिस कड़ी में आज गदरपुर में किचन बनकर तैयार हो गई थी। सारा व्यवस्थाएँ हमारी कम्प्लीट हैं, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से इसका लाभ बच्चों तक नहीं। हल्द्वानी सहित नैनीताल और कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक कुल 3 लाख से अधिक डोज वैक्सीन लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक 35 साल से ऊपर करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 18 साल से ऊपर के युवाओं को अभी तक मात्र 36,957 डोज लगाए गए हैं। अभी भी जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल जनपद को अभी तक 3,27,200 वैक्सीन डोज मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन के एक वायल डोज में 10 आती है। वायल के खुलने के बाद वैक्सीन की अवधि मात्र 4 घंटे की होती है। ऐसे में वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में वैक्सीन खराब हो जाती है। करीब करीब 2,40,000 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर भी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं और 45 साल से ऊपर के लोग हैं और कुछ लोग 18 से 44 साल के भी हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है हमारी, लेकिन 45 प्लस के लोग, कुछ लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। इसमें हमारा करीब 62% वैक्सीनेशन हुआ है और इसको हम लोग मोबाइल कैम के माध्यम से भी बढ़ाने पर पूरा। ऋषिकेश में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ड्रग्स इंस्पेक्टर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गोहरी रेंज स्थित वन विश्राम गृह पहुंची। वृक्षारोपण करने के बाद उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की भारी कमी को देख वृक्षों की उपयोगिता का पता चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के वनकर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। साथ ही अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले पत्रकारों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु किट भी दी गई। इसके और इस वन विभाग में आने का मेन पर्पज यही है कि यहाँ पर आके हम लोग कुछ प्लांटेशन करने आए हैं। यहाँ पे हम खासकर आज मेरे द्वारा यहाँ पर नींबू और आंवले का पेड़ लगाया गया, जो बहुत ज़रूरी है और हर घर में विटामिन सी कंटेनिंग जो फ्रूट्स के पेड़ हैं वो ज़रूर होने चाहिए। और दूसरा, पेड़ लगाना जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकता है। और आज अगर ऑक्सीजन की दिक्कतें हैं तो उसकी एक वजह यह भी है कि हर जगह
पेड़ों की जो है कटाई होने की वजह से काफ़ी कम मात्रा में वृक्ष रह गए हैं, और हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ताकि पूरे इन्वायरमेंट में रहे, सही तरीके से रहे, और ऐसी जो ऑक्सीजन की कमी वाली जो प्रॉब्लम आ रही है उस। ऋषिकेश के पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर में एक श्रद्धालु की मनोकामना पूरी हो गई। बताते कि श्रद्धालु ने मंदिर के शिवलिंग पर 300 किलो बेसन के लड्डू का भोग लगाया, जिसका मंदिर प्रशासन ने विशेष श्रृंगार किया। श्रृंगार बेहद ही मनमोहक नजर आ रहा है। माना जाता है कि यहाँ पहुंचकर भगवान शिव से मांगी गई हर मुराद भी पूरी होती है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु अलग अलग तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल अभिषेक करते हैं और भोग लगाते हैं। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर एक पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर श्री नीलकंठ महादेव स्वयंभू लिंग में विराजमान है। यहाँ पर लाखों संख्या में भक्तगण आते हैं। उन्हीं में से एक भक्त की मनोकामना पूर्ण हुई और उस भक्त ने श्री नीलकंठ महादेव को 3 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया। उन लड्डुओं का हमने श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद उन लड्डुओं का अब हम भक्तों को प्रसाद। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियों की हलचल भी तेज हो गई है। ऋषिकेश विधानसभा से विधायक रहने वाले प्रेमचंद अग्रवाल पर कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी तीखे हमले कर रहे हैं। इस बार कांग्रेसियों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही ऋषिकेश कोतवाली में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ गैर इरादाना हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर भी दी है। वहीं इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस के इस कदम को लाश पर राजनीति करना बताया। लगातार ऋषिकेश के अंदर कोविड पेशेंटों की, मरीजों की संख्या बढ़ती गई और कई लोगों की कोविड से मृत्यु हुई, और लगातार देश के प्रधानमंत्री ये कहते आए हैं कि कोविड के नियमों का पालन करते जाइए, और करोड़ों करोड़ों रुपए होर्डिंगों पे प्रदेश सरकार ने लगाए कि कोविड के नियमों का पालन करें। लेकिन ऋषिकेश क्षेत्र के विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष 6 अप्रैल को बहुत बड़ी संख्या में पाम रिसोर्ट में हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। उसके बाद भी लगातार अपने कैंप कार्यालय हो, कृष्णनगर कॉलोनी हो, तमाम सभी जगहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का काम किया। कहीं ना कहीं उस भीड़ के इकट्ठा होने की वजह से ऋषिकेश कोविड ग्रस्त हुआ। पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।